हाय दोस्तों, तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट। मैं हूँ राशि चेक। तो आज मैंने कुछ मूवीज का कलेक्शन लेकर आप लोगों के लिए, और टेंशन मत लेना, मैं सारी की सारी फिल्म का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जहां पर से जाके आप इजीली इन मूवियों को डाउनलोड कर सकते हो। मैंने सारी की सारी मूवीज देखा जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। कुछ ऐसी मूवी जो अगर आप लोग घर पे बैठो, अगर आप कुछ हटके मूवी देखना चाहते हो, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट वाली जिसके बारे में आपने कहीं पहले सुना नहीं था, तो टेंशन मत लो, यहाँ पर मैं आपको वो फिल्मों के बारे में बताऊंगा और आप लोग डेफिनेटली वो सारी फिल्में देखोगे तो आपको पसंद आएगी। चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना कि इनमें से आपने कौन सी फिल्म देखी और कौन सी फिल्म नहीं देखो। तो ज्यादा समय न लेते चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। लेकिन प्लीज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, ये है कि बस इस चैनल को सब्सक्राइब करो और जो साथ ही बेल आइकन उसे भी कर देना प्रेस, और प्लीज इस वीडियो की लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो लेट स्टार्ट दी वीडियो। हमारे लिस्ट में पांचवे नंबर पे क्यूब 2 हाइपर क्यूब 2002 में आई ये एक कैनेडियन इंडिपेंडेंट साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म है। ये क्यूब सीरीज की दूसरी फिल्म। आईएमडीबी ने इस मूवी को 5.6 की रेटिंग दी थी आउट ऑफ 10। मूवी की कहानी शुरू होती है कुछ लोगों से जो खुद को एक क्यूब में ट्रैप पाते हैं। उस क्यूब को टेसरेक या फिर आप हाइपर क्यूब भी कह सकते हो। इस फिल्म में बताया जो क्यूब उसका स्ट्रक्चर कभी भी फिक्स नहीं होता, जिसकी दीवारें बदल सकती है, डायरेक्शन कभी भी कौन सी भी दिशा में चेंज हो सकता है, इसीलिए ये हमेशा एक नया क्यूब या तो फिर एक नया स्ट्रक्चर बन जाता है। अब आपको यही देखना है कि वो लोग उस क्यूब से कैसे बाहर निकलेंगे। मैं आप लोग से इतना ही कहूंगा कि अगर आप एक बार इस फिल्म को देखोगे तो आप वाकई में ये फिल्म को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करोगे। ये फिल्म का कॉन्सेप्ट जिस तरह से था, और जब ये फिल्म रिलीज हुई थी लोगों ने बहुत ज्यादा तारीफें की थी इस फिल्म की, तो इस फिल्म को आप जरूर देखना। चौथे नंबर पे है क्यूब 0 2014 में रिलीज हुई ये एक साइफाई साइकोलॉजी के थ्रिलर फिल्म है। ये क्यूब सीरीज की आखिरी मूवी है। आईएमडीबी ने इस मूवी को 5.7 की रेटिंग दी थी। जहां पहली दोनों मूवी क्यूब में बताई थी, वही इस मूवी की बात करो तो ये मूवी में आपको क्यूब के अंदर और बाहर का दोनों हिस्सों को बहुत ही अच्छी तरह से बताया है। कहानी में इस बार दो टेक्नीशियन हमें नजर आते हैं जो क्यूब में जाने वाले लोगों पर नजर रखते हैं। तभी उनमें से एक टेक्नीशियन को पता लगता है कि क्यूब में गई एक मदर जो इनोसेंट है। उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आता है ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी, जिसका नाम है क्यूब 0। ये मूवी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग को डेफिनेटली ये मूवी पसंद आएगी। तीसरे नंबर पे स्नोपियर्सर। ये मूवी रिलीज हुई थी 2013 में। ये मूवी एक साइफाई एक्शन फिल्म है जो एक फ्रेंच ग्राफिक नॉवल पर बेस है। आईएमडीबी ने इस मूवी को रेटिंग दी थी 7.1। मूवी में हमें नजर आते हैं क्रिस इवांस। मूवी की कहानी की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है जो फेल हो जाता है, और उसके वजह से पूरी दुनिया के लोग मारे जाते हैं। सिर्फ कुछ लकी लोग बचते हैं जिन्हें एक हाईटेक ट्रेन में डाला जाता है, जिसमें हर कोचेस में अलग अलग सेक्शन होते हैं। इस मूवी को देखकर मैं खुद हैरान हो गया था। तो ज्यादा बताऊंगा तो फिल्म देखने का जो मजा है वो मजा खराब हो जाएगा, तो इस वजह से पहले आप इस फिल्म को देखना, फिर उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। दूसरे नंबर पे है क्यूब 1997 में आई मूवी। ये एक साइफाई हॉरर मूवी है। आईएमडीबी ने इस मूवी को 7.2 की रेटिंग दी है। क्यूब सीरीज की ये पहली मूवी है जो अब तक की बेस्ट मूवी है क्यूब सीरीज में। मूवी की कहानी और कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है, और इसलिए ये उस वक्त बहुत लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट की थी। कहानी कुछ लोगों से स्टार्ट होती है जो ट्रैप है एक क्यूब में, और अगर वो सही वक्त पर नहीं निकले तो बहुत बुरी तरह से उनकी मौत होगी। तो वो लोग कैसे बचते हैं उस क्यूब से, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी, जिसका नाम है क्यूब। हमारे लिस्ट में पहले नंबर पे मूवी द प्लेटफॉर्म। ये मूवी रिलीज हुई थी नेटफ्लिक्स पे, और ये मूवी इसी साल 2020 में रिलीज हुई है। ये मूवी की आईएमडीबी की रेटिंग की माने तो इस मूवी को 7 out of 10 मिला, जबकि मेरे हिसाब से इसको तकरीबन 8 या 9 की रेटिंग मिलना चाहिए था। खैर मूवी की कहानी की बात करें तो कहानी शुरू होती है गोरांग से, जो कि अपनी मर्जी से एक तरीके से प्रिजन या तो कह सकते हैं जेल में जाता है। अब उस जेल में जाने के बाद उसकी लाइफ किस तरह से बदलती, क्या कुछ उसे फेस करना पड़ता है, और क्या कुछ हमें अलग हटके देखने को मिला, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी प्लेटफॉर्म। तो मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ प्लेटफॉर्म मूवी देखने के बाद कि अगर आप प्लेटफॉर्म मूवी देखोगे तो आपको अपनी सोसाइटी के बारे में याद आएगा, यानी कि हमारे जो एट प्रेजेंट जो हमारी पूरी दुनिया का जो सिस्टम चल रहा है, जिस तरीके से लोग बिहेव करते हैं एक दूसरे के साथ, वो आपको याद आ जाएगा। और कहीं ना कहीं ये प्लेटफॉर्म मूवी एक बहुत ही अच्छा मैसेज देती है। अगर आप ये फिल्म देखकर परेशान हो जाए, अगर आप यही सोचोगे कि यार ये फिल्म कई मामले में बहुत कुछ हमें सिखाती है, बहुत कुछ समझाती है, और ऐसा मैसेज देती है जो शायद देखने बाद कहीं ना कहीं आप लोग भी खुद को आईने में देखोगे और सोचोगे कहीं उनमें से कोई मैं तो नहीं हूं। तो बस यार इस वीडियो में इतना। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर सारी की सारी मूवीज देखना तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, वहां से आके देख लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो बस मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखना।
मैं हूँ राशि शेवर, आप सब है अरहान एंटरटेनमेंट। तो हम लोग मिले कल किसी नए वीडियो में, दिल्ली।